जैसे कि यहाँ पर लोगों ने इतनी प्रगति की है और हम भी सोचते हैं कि पृथ्वी पर भी हमने बहुत प्रगति कर ली और आज पृथ्वी पर भी हम ऐसे ही कई रोगों से ग्रसित है, जैसे कि कैंसर, दिल की बीमारी, तनाव के कारण होने वाली बीमारियाँ और ब्लड शुगर, ऐसे भविष्य के संकेत हमें दे रहे हैं। और हमने अगर योग्य उपाय अभी नहीं निकाला तो हमारी भी परिस्थिति ऐसी हो सकती है। यहाँ इंसानों के आगे यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें कामें करती है और यहाँ शायद इस वजह से इंसानों का नामो निशान मिटने की आशंका यहाँ पर बताई जा रही है। ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ, दैत्याकार मशीनें, आप सोच रहे होंगे कि यह देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है, फिर चिकित्सा शास्त्र में यह पीछे क्यों रहा? तो यहाँ के जो निवासी है ये बड़े ही मजबूत है और इनका जो शरीर है, इनके ऊपर की जो चमड़ी है तो वह मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ से बनी होती है और इस चमड़ी के ऊपर हवा, पानी या मिट्टी, इसका कोई भी असर नहीं होता और इस कारणवश ये लोग कभी भी बीमार पड़ते नहीं और यहाँ की जलवायु का प्रभाव भी इनके ऊपर बढ़िया है और ये बीमार न पड़ने के कारण इन्होंने चिकित्सा क्षेत्र की तरफ या चिकित्सा शास्त्र की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। और यहाँ के जो बच्चे होते हैं तो बच्चों की चमड़ी बचपन में थोड़ी नरम होती है, लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े होने लगते हैं वैसे इनकी चमड़ी सख्त होने लगती है। और मैंने सड़न रोग का अध्ययन किया, सड़न रोग का अध्ययन करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे सिद्धांत मैंने पढ़े और इनके सिद्धांत और पृथ्वी पर के सिद्धांत अलग अलग है। या अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाई तथा अन्य साजो सामान बनवाना आवश्यक है और यह मेरे अकेले की बस की बात नहीं। और मैंने उन्हें जब यह बताया तो उन्होंने फौरन पृथ्वी पर के और कई ऐसे युवा डॉक्टर हैं कि जिनका अपहरण करने की योजनाएं ये लोग बना रहे हैं। तो डॉक्टर पटनागर के इस रिकॉर्ड ने, इस संदेश ने सारे सुनकर चकित रह गए और आज के लिए, आज के भविष्य के लिए हमें ये अलग बात बताने का प्रयास डॉक्टर साहब के माध्यम से बताया गया है, लेखक के माध्यम से बताया गया है कि शायद हो सकता है कि अपने आगे आने वाले भविष्य में भी हमें भी ऐसे रोगों से ग्रसित होना पड़े तो यह हमारे लिए कठिन से कठिन बात है। इसलिए विज्ञान में हमने प्रगति तो कर ली लेकिन प्रकृति के साथ भी खिलवाड़ करना यह बुरी बात है। इसलिए हम कहते हैं कि वे आपकी उम्र, आपका शरीर यह अच्छा रहे और भाई ज़्यादातर मशीनों का प्रयोग ना किया जाए, ज़्यादातर व्यायाम किया जाए, इससे कि वे आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा और आप ज़्यादा दिनों तक इन रोगों से आप दूर रहेंगे, यही हमारी शुभकामनाएँ हैं।